رسول النبي الكريم بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ کلمہ شریف کا ذکر کیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ معلوم ہوا، یہ محفل پانی محفل جناب پورا حسین صاحب نے بزرگان دین اولیاء بالخصوص پیران پیر سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ بارگاہ غوث اعظم میں ان کی نیاز و نظر اور ہماری آپ کی حاضری اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ اللہ والوں کو، انبیاء اولیاء کو ماننا بھی ضروری ہے، ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء اولیاء کو بھی پیدا فرمانے والا اور ان کو یہ منصب اور مرتبے دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم لوگ کسی کو کتنا ہی مانتے ہوں تو ٹھیک ہونا پتہ، پہلے تو وہی کرو، اور ایک بات پر یاد رکھو کہ پروگراموں میں زیادہ تیز نوٹیفکیشن نہیں لگایا جائے، اس سے کسی کو تکلیف ہو۔ تیز آوازیں جو ہوتی ہیں بہت سی سورائیں لگانا اونچی اونچی بلڈنگوں پر، اس سے پریشانی بھی ہوتی ہے لوگوں، خاص طور سے رات میں۔ حدیث شریف میں ہے، حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد رات کو عبادت کر کے جب گھر میں تشریف لاتے تھے در دولت میں، تو دھیرے سے سلام کرتے تھے، کیوں دھیرے سے سلام کرتے تھے جب رات میں عبادت کرتے آتے، تاکہ جاگنے والا جواب دے اور سونے والے کی نیند خراب نہ ہو۔ اس کو نہیں سمجھے، یہ سننا ہے۔ اور رات کو دیر تک جاگنا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، یہ بھی سنت کے خلاف ہے۔ یہ بھی حدیث میں راوی کہتے ہیں، حدیث شریف میں ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
यकरहु नौमा कबलल इशाए वल कलामा बादहू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इशा की नमाज पढ़े बगैर सोना पसंद नहीं था, और इशा की नमाज के बगैर, इशा की नमाज के बाद आपको बातचीत करना पसंद नहीं था। गैर जरूरी बातचीत, कोई जरूरी बात है ठीक है, जरूरी काम है ठीक है, और डॉक्टर भी ये कहते हैं, डॉक्टरी उसूल भी यही है कि रात को जल्दी सो, सुबह को जल्दी उठो, सेहत अच्छी रहेगी। और ये भी जलसों के नाम पर ये रात रात पर जगा करके सवेरे को फजर के टाइम पर लोग सोते हैं, तो ये तो जलसे ही नहीं मानता हूं मैं इनको दिन का काम ही नहीं मानता, जो पढ़ते हैं उनको भी सलाह दिया। स्पीकरों की आवाज है ऐसी रखो कि जिससे किसी को तकलीफ ना हो, बातचीत कर सके तो करे, बल्कि जो सुने उनको सुनाओ, जबरदस्ती में सुनाओ। मतलब ये तो बात चल रही थी, मैं क्या कह रहा था कि अल्लाह वालों को, अंबिया औलिया को मानना भी जरूरी है, और ये अकीदा रखना भी जरूरी है कि उनको भी मर्तबे देने वाला और पैदा फरमाने वाला अल्लाह ही है। और उन्हीं को नहीं, बल्कि दीन का, दुनिया का जो कुछ भी है, रुपया पैसा, सोना चांदी, घर मकान, जमीन जायदाद, तंदुरुस्ती, जवानी, जो भी है, एक मोमिन के लिए बुनियादी अकीदा ये है कि वो सब देने और बख्शने वाला अल्लाह ही है। एक बात बताऊं मैं आपको, एक तो होता है जानना, एक होता है मानना, एक होता है याद रखना। बातें हुई है, बोलो, तीन हुई, जानना, मानना, याद रखना। तो अल्लाह को जानते तो सभी हैं, जानते तो कासिम भी है, गैर मुस्लिम भी है, मुसलमान मानता है, हर मुसलमान बुरे से बुरा, जुआरी शराबी भी है, चोर डकैत भी है, तो वो भी अल्लाह को मानता है। तीसरी मंजिल जो है याद रखना, यहां से जो है वो मर्तबे मिलते हैं। जानना और मानना काफी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला को हर वक्त याद रखा जाए, ध्यान रहे, याद रहे कि मेरे पास जो कुछ भी है ये अल्लाह का दिया हुआ है, याद रहे। मानता तो है कुछ होगा अल्लाह ने, मगर याद रहे कि मेरे पास जो कुछ भी है, रुपया पैसा, जवानी, तंदुरुस्ती, मकान, बिल्डिंग, खेती बाड़ी, सोना चांदी, नाशपानी, बागात, खेतियां, बीवी बच्चे, जो कुछ भी है सब किसका दिया हुआ है। अब बोलो ये याद रहे। अच्छा जी, याद रहेगा तो आदमी को तकब्बुर नहीं होगा, घमंड जो कहते हैं जिसमें मारा जाता है, आदमी बड़ा होकर के भी घमंड नहीं हो गया तो मारा जाता है। उस घमंड से बचने की तरकीब भी यही है कि हर वक्त ध्यान रहे कि मैं जब अपना कुछ है ही नहीं, घमंड का तो घमंड करें, अपना कुछ है। हम मौलाना बने बैठे हैं, तकीर कर रहे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, तो ये हम नहीं बैठे हैं, हमें यही ध्यान दिलाना चाहिए कि हम मौलाना है, हम मौलाना है कि मुकद्दर है कि कुर्सी बैठे हैं, लोग नीचे बैठे हैं, ये भी ध्यान रहे कि ये सब अल्लाह का बताया हुआ है, अल्लाह का दिया हुआ है। जिसे ये ध्यान रहा वही मौलाना कामयाब रहा, और जो ये भूल गया तो मौलवी होकर के भी मारा गया।
गुनाह को भूलने से पैदा होता है। तो याद रहेगा कि जवान है, जिस्म में ताकत है, कुव्वत है, हिम्मत है, गरम गरम खून है, तो जुल्म करेगा, लोगों को सताएगा, ताकत से अपनी गरीबों पर जुल्म करेगा। लेकिन जब उसे ये ध्यान होगा कि ये जवानी तंदुरुस्ती मेरी नहीं है, अल्लाह की दी हुई है, तो उसे तकब्बुर नहीं होगा, फिर वो किसी पर जुल्म नहीं करेगा। उसका अकीदा है कि अल्लाह चाहे तो अभी ले ले, जरा की देर में कितने जवानों की जवानियां सवेरे से अब तक रोडों के ऊपर फैल रही होंगी, अस्पतालों में जाकर के देखो, बड़ा बड़ा हट्टा कट्टा, दो मिनट लगते, सेकंड लगते, उठने के लायक नहीं रहता, पकड़ को उठा रहे हैं जवान को, ठीक ठाक ठाक तकलीर सुनो तो बात को याद भी रखो, हर वक्त ध्यान रखो, खूब याद रखो। ये मैं बताया जा रहा हूँ, मैं अल्लाह तौफीक देने वाला है कि जो कुछ भी है मालदार बनो, मना नहीं कर रहा हूँ, मगर ये ध्यान रहे कि मालदारी अल्लाह की दी हुई है, जरा सी देर मशीन लेता है। अल्लाह चाहता है तो गरीबी में सुकून दे देता है, मालदारों को बेचैन फरमा देता है। हमने देखा है कि लोग झुग्गी झुग्गियों में, झोपड़ियों में, कच्चे मकानों में चैन चैन नहीं सो रहे, और हमने ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंगों में उन्हें नींद नहीं आ रही, कोई कलेश हो गया, उलझन हो गई, बीमारी होगी, सोई का हमने सफर किए। ट्रेनों में हमने देखा है कि जंगल बोगियों में लोग, अब तो मैं सफर करता नहीं हूँ, पहले मैंने बहुत सफर किए, जंगल बोगियों में लोग गैलरी में पड़े हुए हैं, ऊपर नीचे लोग बाथरूम को जा रहे हैं, उनके ठोकर लग रही है, मगर वो सो रहे थे। एसी कमरों में देखा, एसी कोचों के अंदर के वहां पर पड़े हुए लोग करवटे बदल रहे हैं, अल्लाह जिसे चाहता है सुनाता है। अल्लाह चाहता है तो गरीबों को बढ़िया बढ़िया खाने खिला देता, अल्लाह चाहता है तो मालदारों को ऐसी बीमारी लग जाती है कि दौलत बहुत है मगर खा ही नहीं सकते, दिल का दौरा पड़ गया, डॉक्टर ने कहा कि आपके तो बच गए, आपकी बचा तो बचोगे नहीं, पड़ा तो बचोगे नहीं, ये चीन चले जाओगे नहीं आते, एहतियात करियो। तो मैंने देखा बड़े बड़े करोड़पति लोग उबली सब्जी खा रहे हैं, उबली, दौलत बहुत है, शुगर बहुत बढ़ गई, डायबिटीज के मरीज हो गए, तो उनके लिए सब मिठाइयाँ बेकार हो गई, हलवाई की दुकान पूरी बेकार, चाय तक ठीक ही पी रहे हैं, दौलत बहुत है, पैसा बहुत है, बात यह खाने पीने को हो या कुछ भी हो, पैसे नहीं मिलता, अल्लाह चाहता है तो इसी पैसे के जरिए सुकून देता है, अल्लाह चाहता है तो इसी पैसे के जरिए दुश्मन पैदा करके इंसान की जान तक चली जाती है, लुट जाता है, मारा जाता है, अल्लाह चाहता है तो इन झोंपड़ियों में सुला देता है, झुग्गियों में सुला देता है, अल्लाह चाहता है ऐसी कमरों में बिल्डिंगों में तड़पा देता है, रुला देता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें खुशहाली दे, तरक्की दे, रुपया दे, पैसा दे, बिल्डिंगें दे, और इस फकीर की एक ही बात याद रखना, कुछ पाकर के भी देने वाले को मत भूलना, ध्यान रखना, हर वक्त याद रहे कि ये मेरा कुछ नहीं है, सब अल्लाह का दिया हुआ है। हुजूर के सीरत की बातें सुनो, एक बात अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बदर की जंग हुई, नंगे बदर, मक्के से 1,000 जंगजू आए लड़ने के लिए कि मदीने में भी नहीं रहने देंगे, यहां तक कुछ चले गए, मदीने में भी रहने नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल 313 निहत्तों को लेकर निकले, सरों सामान लड़ने को तैयार है, मगर डरना पड़ा। ऐसी बेसर सामानी की वो शाहनामा इस्लाम के मुसन्निफ ने तर्जमानी की है, से उनके पास दो घोड़े, 6 सिर हैं, 8 शमशीरें, से उनके पास दो घोड़े, 6 सिर हैं, 8 शमशीरें,
बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तकदीरें। दो ही घोड़े ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था निराला था। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था निराला था। इस लश्कर का अफसर एक सादी कमली वाला था। न तीरों पर न देवों पर न बर्छी और भाले पर भरोसा है तो बस सादी सी काली कमली वाले पर। ईमान के दोष का ये आराम कि नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समुंदर में। जहाँ को महब करते नारे अल्लाह अकबर में। गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सट जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। कुरैश मक्का तो क्या चीज है देवों से लड़ जाए। कुरैश मक्का तो क्या चीज है देवों से लड़ जाए। सनारे नेता बनकर सीने दुश्मन में लड़ जाए। वाकयात तो जंग के तूर तबील है और लंबे वाकयात है। जंग हुई 313 निहत्तों का 1000 जंगलों से क्या मुकाबला। मगर जो इंसान ने चाहा अबू जहल ने चाहा वो नहीं हुआ जो अल्लाह ने चाहा हुआ। पूरे बेटे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम हार जाएंगे। अबू जहल तो ये कह रहा था कि जरा सी देर में सबको मार मूर के चला जाऊंगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों को पकड़ के ले जाऊंगा जिंदा या मार जाऊंगा। जरा ये लगे ये कह रहा था। क्या हुआ 70 मारे गए 70 पकड़ के कैदी बना के मदीने में लाए गए। अब बड़े बड़े सरदार मारे गए उतबा शैबा खलीद उमैया अबू जहल बड़े बड़े सरदार कलगी वाले चौधरी खानदानों के चौधरी ऊंचे ऊंचे लोग काम मारे पछाड़ी। जंग निपटी जैसे तैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अबू जहल का क्या हुआ। 14 मुसलमान शहीद हुए। समझे अबू जहल का क्या हुआ। एक साहब गए और अबू जहल का कटा हुआ सल्ला करके हुजूर के सामने डाल दिया। या रसूलल्लाह अबू जहल का ये हुआ। अबू जहल का मारा इतनी बड़ी खुशी की बात थी। समझे एक बात बताऊं याद रखो तो बताऊं। मोमेंट की शान ये है कि गम को भी बर्दाश्त करे और खुशी को भी बर्दाश्त करे। खुशी मेरी बोरा है ना जैसे बोरा जाते हैं लोग बरातों बोरा जाते हैं डीजे डीजे ढोल बाजे तमाशे कपड़ों पर कपड़े बेशुमार फैशन मैंने क्या क्या। अभी मुझे कोई बता रहा था कि अभी हल्द्वानी में जो सुना है 4000 मकान तोड़े जा रहे हैं तो ज्यादातर मुसलमान हैं। उसमें कितने स्टे ले लिया लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से 7 फरवरी तक की मोहरत मिल रही है। जब ये स्टे आया तो बर्दाश्त नहीं कर सके। ये सुना है मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी पटाखेबाजी कर दी पर अभी सही से फैसला भी नहीं हुआ स्टे मिल गया। ये मुसलमान का हाल अल्लाह का शुक्र करते दुआ करते शुक्र नहीं करेंगे कूदम गया अल्लाह ने बेटा दिया तो क्या करें। ये नहीं अल्लाह का शुक्र करें बेटा बेटी बच्चा तमाशे करना वगैरह ढोल पिटवा गया पटाखे बाजियां करा गया।